बहुत लोग हैं जो मोहब्बत भी करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन मेजोरिटी के माइंड में इंडिया को लेके नफरत, नेगेटिविटी डाल दी गई है। अगर हम जाके पूछेंगे जी भाई बॉर्डर खुल गया तो आप जाएंगे, तो वो डेफिनेटली ये कहेंगे नहीं 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 हम नहीं जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे। बट जब मैंने रिएक्शन लिया कि भाई अगर ये मूवी में बोला गया है कि अगर ऐसे ही सच में होता है तो आप जाएंगे, आप बिलीव करें। और अगर किसी को मेरी ये बात झूठ लगती है, मैं उसे चैलेंज करता हूँ, आजे मेरे साथ रोड पे, आजे पब्लिक से पूछते हैं। इसमें मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई किसी की बात नहीं कर रहा, जो भी रैंडमली लाहौर में आ जाएं, कहीं पे भी आ जाएं, 10 में से आप 10 लोगों से पूछेंगे तो ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन और कुछ नहीं तो 5 लोग, कम से कम 4-5 लोग ये जरूर कहेंगे। और वो वीडियोस मौजूद हैं सोशल मीडिया पे जो हमने रिएक्शन लिए हैं। जी, मैं उसी रिएक्शंस में से मैं आपको ये बात बताना चाह रही थी कि आपने कितनी बार रिएक्शंस लिए हैं। तो उन्होंने कहा है कि भैया एक वीजा दे दो हम लोगों को, हम भी चले जाएंगे इंडिया में। ये कहा जाता है कि जब पाकिस्तान विदेशी मुल्कों में जाता है तो वहां पर उनसे मजदूरी कराई जाती है, पर इंडियन जब विदेशी मुल्क जाते हैं तो वो इंजीनियर होते हैं, वो डॉक्टर होते हैं, वो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठते हैं। तो ये एक चीज है जिसको हमको मानना पड़ेगा। आप सोचो, 2 दिन पहले 21 चर्च को तोड़ दिया गया। आज इजराइल शोएब भाई ये सोच रहा होगा कि काश हमने भारत के प्रधानमंत्री की बात मान ली होती, जब इजराइल से हमारे भारत के प्रधानमंत्री की, जब इजराइल के ब्यूरोक्रेट से बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये इस बात को जाहिर किया था कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज जो है वो बहुत सहमे हुए हैं, वो डिप्राइव हो रहे हैं। अब स्वेडन में कुरान जलाई जाएगी, उसका उसका बदला निकाला जाएगा पाकिस्तान के क्रिश्चियन से, दिस इज नॉट फेयर ना, दिस इज नॉट फेयर। अब यासीन मलिक जो उसमें यहाँ तिहाड़ उसमें जेल में पाकिस्तान है, में भी ये वाकया हुआ था। देखें, मेरा मेरा ये काम है, जो खबर मुझ तक हो वो भी थोड़ी बहुत हमें चाहिए कि हम सच सामने लेके आए। उसमें इस जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी तरफ से एक या दो लोगों ने इस तरीके से कुछ एक्टिविटी की थी, बेहुर्मती की थी, लेकिन अगर की थी, नहीं की थी, अदालतें मौजूद हैं, सजा मिलनी चाहिए। जो भी किसी के दिल उजारी करता है, मैं मजहब की तरफ आता ही नहीं, इवन सिंपल दिल उजारी करता है, मैं आपको अगर कुछ गलत कहता हूँ, मजहब को भी नहीं, सिर्फ आपको गलत कहता हूँ, तो वो अदालत मौजूद है, अदालत मुझे सजा दे, जरूर दे। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपको गलत बोलूं और आप बदले में मेरी पूरी फैमिली को या मेरे पूरे कम्युनिटी को ही वो नुकसान पहुंचाएं, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। और मैं नॉट हैरान फेयर हुआ ना। हूँ, बिलीव मी, मैं हैरान हुआ हूँ कि मैं ये सोचता था यूथ में चेंज आ रहा है, मैं ये सोचता था यार नहीं, ये जो लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं चेंज जरूर आ रहा है, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ कुछ लोग पॉजिटिव बात करते हैं, बट जब ऐसी एक्टिविटीज होती हैं तो मैं कहता हूँ यार पता नहीं ये लोग कहीं बाहर से आते हैं, ये लोगों को कहीं से भेजा जाता है, मैं हैरान हो जाता हूँ। नहीं, इन लोगों को कहीं से भेजा नहीं जाता है, जिसकी मैं जिंदा मिसाल आपको दे सकती हूँ। अभी हालिया में मुझे पिछले 15 दिन से पाकिस्तान का एक बंदा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है और बहुत बेहुदा बातें वो वॉइस रिकॉर्ड करके भेजता है। क्या मतलब बहुत बेहुदा बातें हैं, ठीक हो गया, बैठा हूँ, ठीक है नाते हैं, है, मतलब बहुत मैं समझ बेहुदा गया इस चीज बातें। को। और तब ये भी मतलब मैं आपको आप चीज क्लियर करता चलूं कि आपकी वीडियोस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा वायरल रहती हैं, खास तौर पे जो हमारे साथ हमारे चैनल पे एक दो आपने इंटरव्यू दिए। मुझे अक्सर लोगों ने बोला कि यार वो इंडिया से जो मुस्लिम लड़की है, कंफर्म करो क्या वो वाकई मुस्लिम है, क्या कोई वो मतलब किसी और कम्युनिटी से ना हो और वो मुस्लिम का होने का ये इस तरीके से लिबास पहन के या बात करके जो पाकिस्तान को या इस्लाम का इमेज खराब कर रही है। तो मैं उसके ऊपर, मैं उन्हें ये कहता हूँ, आपसे भी आज रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर लेट्स सपोज मुझे कोई कहता है कि भाई मुझे बिठाएं नाज़िया इलाही खान साहबा के साथ, तो क्या हम आपको, मैंने तो उन्हें ये कहता हूँ कि भाई यार मैं आपको बिठाऊंगा ऑनलाइन, आप भी आए, नाज़िया जी भी आएंगी, जो आपको गिला शिकवा हुआ करिएगा, डिबेट है ना दोनों साइड से। देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमान ये बात कह रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भी मुझे बहुत अब्यूज करते हैं। बट क्या है, हमने कुरान में पढ़ा है इन अल्लाह मा साबिरीन, हम सब्र कर लेते हैं। और हम जैसी पढ़ी लिखी लड़कियां, आज देखिए बहुत सारी लेडी यूट्यूबर्स है जो आपके वहां पर निकलती है तो उनको भी बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। कई लोगों से मेरी इंटरेक्शन होती है, बात होती है, तो उनको भी बहुत गंदी गंदी बातें बोली जाती हैं। तो हमारे समाज में चाहे वो हिंदुस्तान के मुसलमान हो चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान हो, कहीं ना कहीं एक चीजें अटकी हुई है कि औरत को बिल्कुल डिप्राइव होकर के घर में रहना है। औरतें वोकल नहीं हो सकती, औरतें बहुत हाईली एडुकेटेड नहीं हो सकती, जिसका नतीजा ये है। और मैं शोएब भाई आपको पूरी खुली छूट दे रही हूँ, जिस किसी को भी मेरे साथ डिबेट में आपके चैनल पर बैठना है मैं उनको स्वागत करती हूँ। कि लेकिन एक ही शर्त होगा कि पूरे तथ्य के साथ बैठेंगे, ये नहीं कि भाई हाँ जन्नत में 72 वर्जिन हो रहे होती हैं और मुझे मानना पड़ेगा, ये तो कभी नहीं हो पाएगा।
पूरे सबूत और तथ्य के साथ बैठे हैं, जैसे मैं आपके साथ आज पूरे डेटा के साथ मैंने आपको बताया। और देखिए, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का डेटा आपको निकाल करके दिया है कि देखिए क्या यहाँ पर हिंदुस्तान में कितने उर्दू स्कूल हैं, कितने इस्लामिक स्कूल हैं, कितने मदरसे हैं। तो ऐसे सबूतों के साथ अगर कोई मेरे साथ बैठना चाहता है तो एक बार नहीं, 1 लाख बार मैं बैठने को तैयार हूँ। बिल्कुल जी, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो लोग ये सोचते हैं कि शायद मैं, मुझे ये कहा जाता है कि आप अपनी मर्जी का गेस्ट बुलाते हैं जो कि आपकी मर्जी के मुताबिक बात करता है, तो मैं उन्हें उन्हें तब भी यही कहता हूँ कि भाई आए, आप उनसे बात करें, डिबेट करें। और अब भी जो लोग देख रहे हैं, मैं बिल्कुल आपको ये ऑफर देता हूँ, ये आपका चैनल है, सबका चैनल है, ये यूट्यूब पे जो लोग भी देख रहे हैं उन सबका चैनल है, जो भी बात करना चाहे आ सकता है। जैसे नाजिया जी आई हैं ऑनलाइन, आप भी ऑनलाइन आ सकते हैं। नाजिया जी, गदर 2 की हमने बात की, गदर 1 की बात करें, उसमें प्रॉपर सीन है जिसमें हाथ जोड़ के सनी देओल जी ये कह रहे हैं कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के जो लोग हैं सामने उनसे, लेकिन वो चीज भी नहीं दिखाई गई। फिर एक पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, मतलब एक हिंदुस्तानी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, वो चीज भी नहीं दिखाई गई। क्या समझती हैं आप? हमारे यहाँ स्क्रीन पे तो दिखाया गया है। और देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। देखिए, हमारे मुझे तो बहुत क्रेज था क्योंकि 21 साल पहले मैंने गदर एक प्रेम कथा 1 देखी थी जब मैं बहुत छोटी चीज सी थी। और उसके बाद फिर मैंने 21 साल के बाद हम लोगों के दिल में एक लगा हुआ था कि हमने देखना है, हमने देखना है। तो मैं तो देख करके आ भी गई, तो वो सारे सीन दिखाए गए हैं। दूसरी एक चीज मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए, हिंदू धर्मों में क्या होता है ना कि पत्नी को लेकर के वो लोग बहुत भावुक होते हैं, बड़े बड़े मतलब इमोशनल होते हैं, क्योंकि 7 फेरे जो उनके होते हैं ना, वो 7 जन्मों का रिश्ता होता है, सिर्फ एक जन्म का नहीं होता है। सिंदूर का महत्व बहुत होता है। गदर एक प्रेम कथा जो पहली आई थी उसमें तारा सिंह ने अपने ब्लड से मांग भरा था, तो सिंदूर का की अहमियत मतलब हिंदुओं में इतनी ज्यादा होती है कि लड़कियां जितनी भी मॉडर्न हो, जितनी भी पढ़ी लिखी हो, चाहे वो IPS हो जाए, चाहे वो जज हो जाए, पर उनके माथे पे अगर वो विवाहित है तो उनके माथे पे सिंदूर दिखाई देता है। तो अपनी उस प्रेम को, अपने उस रिलेशन को, अपने उस 7 फेरे को महत्व देते हुए पहले से पहले मूवी में भी सनी देओल जी ने अपने पूरे कर्तव्यों को और पूरे सनातन धर्म को फॉलो करते हुए दिखाया है। और दूसरे में भी दिखाया है, उनको जब जब पाकिस्तान के हुक्मरान के सामने हाथ जोड़ना हुआ उन्होंने जोड़ा है, जब जब पाकिस्तान जिंदाबाद बोलना हुआ उन्होंने बोला है, जब जब उनको रोना हुआ तो उन्होंने रोया है, उनको जब जब बोला, उनको जब जब उनसे उनसे गिड़गिड़ाना हुआ वो भी वो किए हैं। लेकिन आप अब जब बात भारत माता पे आ जाती है तो मैं तो कोई अभी एक्टिंग नहीं कर रही, मैं तो आपके सामने कोई मूवी नहीं बना रही, तो भारत माता पे जब बात आ जाएगी ना तो मैं भी एकदम पूरी झांसी की रानी बन जाती हूँ। इवन लोग मुझे कह देते हैं कि भैया तुमको क्या हो जाता है, ये 440 का वोल्ट क्यों लग जाता है, तुमको झटका क्यों लग जाता है। तो ऐसा ही अपने हमारे नेशन से अंदर मोहब्बत होनी चाहिए, कोई किसी कंट्री से भी बिलोंग करता है, मैं खुद ये कहता हूँ। बहुत से लोग ये मायूसी का इजहार करते हैं कि पाकिस्तान में बहुत बिल्कुल कुछ नहीं रहा, यहाँ से निकल जाओ, लेकिन मैं ये कहता हूँ एट द एंड हम पाकिस्तानी, हम कहीं और जाएंगे तो हमें वहां की नेशनैलिटी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, मिल भी जाएगी तो फिर भी हमारी पहचान यहाँ जुड़ी रहेगी, इसलिए अभी भी उम्मीद बाकी है। आप खुद को ठीक करो, मैं जितने भी पाकिस्तानी है सोशल मीडिया पे या जो भी है, मैं कहता हूँ पहले खुद को तो ठीक कर लो, फिर पाकिस्तान को भी ठीक कर लेना। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात मैंने सुनी, बल्कि न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान के और सोशल मीडिया पे भी मैंने देखी, कहा यह जा रहा है कि जो इंडिया की सिख बरादरी है उसने ये गदर 2 का बिल्कुल बायकॉट किया है, बिल्कुल उसको मतलब यह है कि नहीं देखा, कि उनका उनका यह कहना है कि पाकिस्तान से हमें मोहब्बत है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मतलब आपको डेटा दे सकती हूँ, परसेंटेज दे सकती हूँ। अभी तो मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमारे इंडिया में दिखा रहा था कि एक 92 ईयर्स की एक पंजाबी सिख बिरादरी की एक महिला थी, नानी मैं उनको बोलूंगी, वो फिल्म हॉल से निकल रही थी और उन्होंने कहा कि भाई शायद मैं इसलिए जिंदा थी कि मैं ये गदर 2 भी देख सकूं, पहला मैंने देखा था पुत्तर की मूवी और अभी मैंने दूसरी भी देख डाली। तो देखिए, सिखों में एक अलग सा क्रेज है, पंजाबियों में, जाट में, इन लोगों में ना सनी देओल जी का एक अलग ही क्रेज है, एक अलग मतलब वो उनको धरती का पुत्र बोलते हैं। कभी भी सनी देओल जी को, जो एक्टर हैं, उनको कभी भी स्टेज पर या किसी बहुत बड़े पार्टीज में या बहुत बड़ी गैदरिंग में सनी देओल बोल के नहीं बुलाया जाता है, उनको धरती का पुत्र बोल करके बुलाया जाता है। और पंजाबी, जाट, सिख, ये लोग क्या है, ये मतलब यही सबसे ज्यादा आर्मीज में जाते हैं, यही सबसे ज्यादा बॉर्डर पर जाते हैं, यही सबसे फ्रंट में होते हैं। कई पंजाबीज और सिखों को हमने देखा है वीर के नजरों
से हमने देखा है, जिन्होंने जो लड़ाई हुई थी हमारे 1947 की आजादी के लिए, उसमें कई वीरों ने जान दी है, तो एक केसरिया पगड़ी लगाते थे, वो उनकी माएं भेजती थी केसरिया पगड़ी लगा करके, उनको पता होता था कि मेरा मेरा चांद सा जो बेटा है वो रिटर्न नहीं आएगा। तो सिखों में भारत माता को लेकर के, सनी डियोल जी को लेकर के एक अजीब ही क्रेज है। तो मुझे लगता है कि ये बातें बिल्कुल भी फेक दिखाई गई हैं आपके पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया में। यहाँ पर ऐसी मूवीज को, जो पेट्रियोटिक मूवीज होती है, और खास करके अगर सनी डियोल जी की आ गई है, तब तो लोग मतलब एकदम बावले हो जाते हैं कि मैंने तो देखना ही देखना है। फिर वो कास्ट और क्रीड का कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होता है। बिल्कुल। और मैंने ये भी देखा है कि काफी बड़ा उन्होंने बिजनेस किया उस मूवी ने, और कोई रिकॉर्ड बनाया 500 करोड़ के करीब, 6-7 दिन में वो पहुंची है मूवी, और बहुत बड़ी, मतलब ये है कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। जी 2022 शोएब भाई और 2023 की जितनी भी रोमांटिक और जितनी भी सस्पेंस मूवी, जितनी भी हिंदी में, हिंदी सिनेमा बॉलीवुड में मूवीज आई हैं, उनमें सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाया है मात्र 8 दिनों में। आज 8 दिन पूरा हुआ है, मात्र 8 दिनों में सनी डियोल की इस मूवी ने, क्योंकि लोग 21 साल से इस मूवी के पार्ट टू का इंतजार कर रहे थे। जब गदर एक प्रेम कथा पहली आई थी तो पूरा हॉल रोता था, पूरा हॉल रोता था, और यकीन माने शोएब भाई के, सनी डियोल के लिए भी रोता था और सकीना के लिए भी रोता था कि सकीना की जान बच जाए यहाँ पर हिंदुस्तान में। तो हमारे यहाँ ना आपस की मोहब्बत को, हम एक दूसरे की मोहब्बत को हम बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हैं। हम कभी कड़वी बातें तब तक नहीं करते जब तक सामने वाला हमारे मान सम्मान को नहीं हिला देता है। हमारे मुंह से कड़वी बातें तब निकलती हैं जब हमें ये महसूस होता है कि सामने वाला हमारी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रहा है, तब ऐसी बातें हमारे मुंह से निकलती हैं। लेकिन मैम, मैंने पर्सनली एक चीज नोट की है, खासतौर पे इन दिनों में आप इसके मुझे करेक्शन कर सकती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात नहीं करता, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे होता हूँ, सोशल मीडिया को ही ज्यादातर देखता हूँ, कि पाकिस्तान से बहुत से यूट्यूबर हैं जो पॉजिटिव कंटेंट बना रहे हैं। बल्कि यहाँ पे तो एक इंडिया में भी ये बात बहुत मशहूर हो चुकी है कि जी कुछ यूट्यूबर है पीस पीस पीस, पता नहीं अब वो पीस है या लेग पीस है। तो ये चीजें हमारे यहाँ से की जाती हैं, वहां से कुछ देखने में आता है रोस्टिंग या इस तरीके से। आप क्या कहेंगी, सोशल मीडिया पे ज्यादा नफरत या ज्यादा इस तरीके से कंटेंट कहां से बनाया जाता है, पाकिस्तान से या इंडिया से? बिल्कुल, आप, मैं ये कहूंगा कि जो आप ईमानदारी के साथ आप आंसर कीजिएगा। मैं मेनस्ट्रीम मीडिया पर सोशल शोले मीडिया पाल। पे। अच्छा, सोशल मीडिया पर भी और मेनस्ट्रीम मीडिया पर भी, क्योंकि मैं दोनों चीजों में इंट्रैक्शन मेरा बराबर इक्वली है, और दोनों को मैं, दोनों प्लेटफॉर्म को मैं इक्वली इंपॉर्टेंस और अहमियत और वैल्यू देती हूँ। मैंने खुद कई बार इन बातों को कहा है कि कुछ ऐसे यंगस्टर्स मैं देख रही हूँ पाकिस्तान में जो बहुत अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। नॉट इवन मैं, ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं और ऐसे बहुत सारे पुरुष हैं और ऐसी बहुत सारी मेनस्ट्रीम मीडिया है जो ये कह रही है कि कुछ यंगस्टर्स ऐसे आए हैं जो वोकल हैं और पीस की बातें कर रहे हैं, वहां की गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इवन आपने किसी को, एक हिंदू, जहां पर हिंदू माइनॉरिटीज रहते हैं वहां पर किसी को फ्रूट का स्टॉल दिया था, वो हमारे इंडिया में वायरल हुआ था। ऐसा ही है। उसके बाद आपने बच्चों को चॉकलेट्स दिए थे, किसी को टेम्पो दिया था, तो उनके हेल्प के लिए हिंदू माइनॉरिटीज को, वो हमारे इंडिया में वायरल हुआ था और हम सब ने उसकी बहुत तारीफ की थी और कि यहाँ पे चलो एक चीज कहीं मैं से भी तो कहना चाहता हूँ, बात। देखिए यहाँ पे तारीफ करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। वो जो हमने वीडियो या वो जो एक मिशन स्टार्ट किया था सिंध में मिनोरिटीज के साथ जाके, मैं ये बात कसम उठा के कह सकता हूँ कि मुझे इंडिया से इतनी मेल, इतने मैसेजेस आए कि भाई आप ऐसा ना करो कि सिर्फ हिंदू कम्युनिटी को दो, आप जो भी भूखे हैं मुसलमान हैं उन्हें भी दो, आप क्रिश्चियन को दो। मैं उस चीज को देख के बड़ा हैरान हुआ, और मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि भाई देखे वो पाकिस्तान की, ये नहीं कह रहे कि भाई हिंदुओं की हेल्प करो, कुछ लोग कहते हैं, डेफिनेटली कहते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर सेकेंडली, मैं नाम नहीं लूंगा मेन स्ट्रीम मीडिया के, इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया, या फिर अगर ये सोशल मीडिया की बात करें जो इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट बनाते हैं, और बड़ी बड़े नाम हैं जो इंडिया में भी बहुत मशहूर हैं, और उनका बैकग्राउंड भी बड़ा स्ट्रांग है, और वो पाकिस्तान में भी बड़े फेमस हैं, और बहुत किस्म के उन्हें टैग भी दिए गए हैं कि पाकिस्तान के वो ये हैं वो हैं। वो मुझे स्पेशल कॉल करके ये कहते हैं कि भाई सुहेब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं आपका फैन हूं, मैंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से लोग इस चीज को समझेंगे, तो ये चीज जो शोएब अप्रिशिएट भाई, करनी हो दिस रही इज है वेरी डेफिनेटली करनी फैक्ट, चाहिए। दिस इज वेरी फैक्ट, क्योंकि मेरे सोशल मीडिया पर और अराउंड 3 मिलियन लोग मुझे फॉलो करते हैं,
तो उनमें से कई लोगों ने, क्योंकि देखिए पब्लिक गैदरिंग में मैं जाती हूँ, बहुत लोगों से मैं मिलती हूँ, हर विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलती हूँ, पर ये जो यंगस्टर्स लोग जो अभी काम कर रहे हैं, आपने जितने सोशल सर्विसेज किए हैं उनको बहुत ज्यादा हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि रात के 12:30 बजे में उसी वक्त मैंने सोशल मीडिया मैंने चेक किया और मैंने आपकी वीडियोस देखी, मिशन सेव टेम्पल्स, और मैंने आपको बिल्कुल, टेक्स्ट किया कि यू आर डूइंग माइंड ब्लोइंग जॉब। और तो देखिए, जो इंसान अच्छा काम करता है उसकी तारीफ करनी चाहिए, डेफिनेटली 110% करनी चाहिए। ठीक है, और मैं यही कहना चाहूंगा, मैंने जो भी काम, जब भी कोई भी मिशन स्टार्ट किया, मैंने जस्ट एक ये सोचा कि यार निकलते हैं, देखेंगे क्या होता है, अच्छी नीयत के साथ निकलते हैं। मैं जाता हूं, मेरी उम्मीद से ज्यादा मेरे देखने वाले मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे इतनी मोटिवेशन मिलती है। और मैं आपको गारंटी से ये बात कह चुका हूँ, पहले भी कह चुका हूँ कि बिलीव मी, अगर पाकिस्तान के जितने भी ये सोशल मीडिया के लोग हैं एक बार यूनिटी दिखाएं, मैं गारंटी देता हूँ, मेरे से स्टाम्प पे आप लिखवा लें कि अगर विद इन 1 ईयर बहुत बहुत बड़ा चेंज ना आया, तो अब मैं अपना बहुत चैनल भी चेंजेस बिल्कुल आ जाए। खत्म कर दूंगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगी।